तो हे गाइस, तो क्या आपको भी इंस्टाग्राम में अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करना है? तो गाइस, अगर आपको इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करना है तो इस वीडियो में मैं उसके ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो माय नेम इज़ अंकन एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट इंस्टाग्राम रील्स एंड इंस्टाग्राम के फोटोज अपलोड्स वीडियोज हमें ऐसा मतलब सब कुछ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में पता चल जाए। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल द सीक्रेट्स ऑफ इंस्टाग्राम फीचर्स, जिससे कि आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे एंड आपके फॉलोअर्स हमेशा इंक्रीज होते रहेंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दूसरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार, हमारा सबसे पहला टिप्स तो है कि इंस्टाग्राम रील्स। तो यार, इंस्टाग्राम में अगर ग्रो करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है इंस्टाग्राम रील्स से ग्रो करना, क्योंकि अगर इंस्टाग्राम में आप ग्रो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम रील्स सबसे पहला उपाय है। कि इंस्टाग्राम रील्स से बहुत ज़्यादा रीच मिलता है एंड बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब जो फ्लो होता है ना, वो फ्लो आपको मिल जाता है। इससे क्या होता है कि अगर आपको एक बार फ्लो मिल गया तो उस फ्लो से आपका इंस्टाग्राम हमेशा ग्रो होता रहेगा। तो इंस्टाग्राम रील्स पकड़ो एंड रील्स में एक नीच पकड़ लो, ठीक है? अगर आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो एंटरटेनमेंट छोड़ो। अगर आप कोई इंफोटेनमेंट वीडियो बना रहे हो, मतलब जिससे कि लोगों को नॉलेज मिलती है, तो इंफोटेनमेंट वीडियोज बनाओ। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें से कंपनियों के बारे में बताया जाता है, लाइक कोको कोला ने ये कर दिया या फिर रोल्स रॉयस कार निकली है। तो ये सारे चीज़ एक टॉपिक होता है एंड एंटरटेनमेंट एक टॉपिक होता है, ठीक है? या फिर कोई म्यूज़िक वीडियोज़ बनाता है, वो भी एक अलग टॉपिक होता है। तो आप ट्रेंड के हिसाब से जा सकते हो या फिर अपना कुछ नया भी कर सकते हो। दोनों तरफ से ही आपको ग्रोथ मिलेगा, बट धीरे धीरे मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। बट रील्स में बाकी चीज़ों से ज़्यादा अच्छे मिलेगा एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ मिलेगा। तो यार, रील्स को आप ट्राई कर सकते हो। तो यार, हमारा सेकेंड जो टिप्स है वो सेकेंड टिप्स है हमारा पोस्ट या फिर हो गया आपका ट्वीट्स वगैरह या फिर फोटोज अपलोड। इससे क्या होगा, आपका मतलब जो आप कोई पोस्ट करे हो, कोई आपने कोई पोस्ट किया या फिर फोटोज अपलोड किया, उससे आपको लाइक्स मिलते हैं, नए नए फॉलोअर्स मिलते हैं, नया नया रीच मिलता है, उससे आपका इंस्टाग्राम भी ग्रो होता है, ठीक है? अब उस ग्रोथ को आप कैसे अपने काम में लगाओगे? देखो, अगर आपने कोई फोटोज अपलोड किया है, ठीक है, तो उस राइट नीच पे आपको अपलोड करना है। लाइक आपने आज अपलोड किया, कल भी अपलोड किया, तो हर दिन आपको अपलोड करते जाना है। या फिर अगर वीक में एक अपलोड कर रहे हो तो एक ही अपलोड करो, बट बाकी सारे दिन आपको कोई ट्वीट्स अपलोड कर लेना है। ट्वीट्स मतलब क्या, मतलब कुछ लिखा होता है कोई मैसेज वगैरह या फिर कोई इंस्पिरेशनल कोट्स होता है इंस्टाग्राम में, तो वो कोट्स आप अपलोड कर सकते हो। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रीच मिलता है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं। अब वो कोट्स कैसे होते हैं, मैं यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये होता है आपका कोट्स, तो ये सारे कोट्स आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आप इंस्टाग्राम में कुछ अच्छी तरह से जोक्स वगैरह लिख के भी आप पोस्ट कर सकते हो, इससे भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आते हैं। थर्ड पॉइंट पे, तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा है स्टोरी, ठीक है? अब देखो स्टोरी अगर आपको डालना है ना, तो आप नॉर्मल स्टोरी मत डालो। जब नॉर्मल स्टोरी डालोगे उससे तो नॉर्मल रीच आएंगे एंड आपके जो फॉलोअर्स पहले से हैं उनके लिए ये बात ठीक है, उनके लिए अच्छा है कि आपको एक रीच मिल रहा है एंड वो फॉलोअर्स को अगर पकड़ के रखना है ना, तो वो फॉलोअर्स आपके साथ पकड़ के रहेंगे, मतलब आप पकड़ के रख पाओगे उनके फॉलोअर्स को। बट अगर आपको और ज़्यादा फॉलोअर्स लाना है तो स्टोरी में थोड़ा सा हटके कुछ करना पड़ेगा। स्टोरी में रीच बढ़ाने के लिए आप स्टोरी में येस या नो का जो होता है वो पोस्ट दे सकते हो, जिससे कि लोग रिस्पॉन्स करेंगे आपके स्टोरी में एंड उससे आपका रीच बढ़ेगा। एंड दूसरा जो चीज़ है, एक ये देखो, ये वाला जो चीज़ है, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला जो चीज़ है, इससे इमोजी को इसमें स्लाइड बार करके वो लोग परसेंटेज देते हैं कि कितना अच्छा लगा स्टोरी या कितना अच्छा नहीं लगा। तो इस चीज़ का भी आप दे सकते हो, या फिर आस्क मी क्वेश्चन हमारे बाद दे के आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ जिससे कि लोग रिस्पॉन्स करें स्टोरी पे। तो इस तरह से आप स्टोरी का मदद भी ले सकते हो। तो ये मैंने तीन टिप्स आपको बता दिया इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। तो गाइस, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हमारे नए वीडियोज़ के अपलोड करने के वक्त ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइस, एक मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं एंड धीरे धीरे यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।